स्वागत है आपका न्यू जनरेशन स्टूडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने कंप्यूटर फ़ोन किसी से भी फ्री में अमेज़ॉन स्टफ़ ले सकते हैं। तो मैं आज आपको उसको प्रूफ दिखाऊंगा और साथ में मैं करूंगा वो उसके लिए मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, मैं आपको उसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा और मैं उसके डिस्क्रिप्शन में उसके डिटेल्स भी डाल दूंगा। तो मैं आज आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अमेज़ॉन पर जाके एक नया आईडी बनाइए, बिल्कुल जैसे कि मैंने ये बनाया है अभी अभी जिस मैंने बनाया, तो इसके लिए सब वेरिफिकेशन मांग रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। अब इसके बाद जाते हैं अमेज़ॉन पे। तो आप सीधा अमेज़ॉन डॉट कॉम पर जाइएगा, डॉट इन पे या को किसी भी पे जाइए, सिर्फ डॉट कॉम पर जाइए। डॉट कॉम पर जाने के बाद आपने एक नई आईडी बनाई है जैसे कि मैं बना चुका हूँ मैं अमेज़ॉन नाम से। तो उसके बाद आपको क्या करना है तो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट सर्च मारना है, तो मैं इसमें आपको PS4 खरीद के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे PS4 सर्च मारा, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने PS4 सर्च मारा और मेरे यहाँ पे PS4 आ चुका है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो हमारा इंटरफेस खुलेगा कुछ इस तरह खुलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्राइस ऑलमोस्ट $299 है, ऑलमोस्ट $300। अब हमें क्या करना है, अब हम क्लिक करते हैं ऐड टू कार्ट पे। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन है, मेरे को नहीं चाहिए। उसके बाद हम आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद यहाँ पे आ चुका है एडिट टू कार्ट। अब इसको हमें ओपन करना है, तो प्रोसीड टू चेकआउट पर जाइए और उसके बाद अपना जो बिलिंग एड्रेस है उसको डाल दीजिए। बिलिंग, तो मैं अपना बिलिंग एड्रेस डाल चुका हूँ, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद जो डे मतलब कितने दिन में चाहिए, नॉर्मल 9 से 12, 5 से 10, 2 से 5, 2 से 5 में क्लिक कर लेते हैं, कंटिन्यू भी दबा देते हैं। तो कंटिन्यू भी दबाने का, तो उसके बाद आपके पास नाम आएगा, तो नाम पे आपको डालना है, सब कुछ कैपिटल में डालना है। इसके डालने के बाद आपको जो क्रेडिट कार्ड नंबर है वो डालना है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप देख सकते हैं उसे जाके। उसके बाद इसको 7/2034, उसके बाद आपको ऐड योर कार्ड करना है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो कार्ड है वो ऐड हो चुका है, उसका कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू के बाद ये देखिए मैं चूज़ कर चुकी, तो उसके लिए $75 लेगा और इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्टेड आइटम है, इम्पोर्ट तो कराना पड़ेगा, इम्पोर्टेड के लिए भी ये $156.19 लेगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, प्लेस ऑर्डर पे जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। तो आपको इसका ईमेल भी दिखा देता हूँ कि ईमेल आ चुका है मेरे पास, ये देखिए। अब मैं आपको ईमेल भी दिखा देता हूँ, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, योर ऑर्डर फॉर प्ले स्टेशन 4 स्लिम विल सेंड अ कन्फर्मेशन। अब देखिए जब आपके पास, जब आपका आइटम पहुँच जाएगा उसके बाद आपको एक और मैसेज आएगा कि आपका आइटम आपके पास आ चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते कितना सिंपल था, जो आपको कुछ नहीं करना है, ये वैलिड क्रेडिट कार्ड है मेरे पास और इसमें बैलेंस मैं डालता रहूँगा, तो आप जस्ट इसको कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरा हो चुका है, तो फ्रेंड्स इन्जॉय, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अलविदा, अगली वीडियो में मिलेंगे।